नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं वैशाली। पाकिस्तान के ननकाना साहिब पर हुए हमले के विरोध में अमरोहा में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर पाकिस्तान का पुतला फूंका और प्रधानमंत्री से सिखों के धार्मिक स्थल पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। बता दें कि पाकिस्तान के ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर हमले की घिनौनी वारदात के बाद देश भर में गुस्सा है और इसी का विरोध करते हुए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान का पुतला फूंका। साथ ही कहा कि जो लोग देश में नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे हैं, ये उन लोगों को आईना दिखाने जैसी घटना है। बजरंग दल ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि ननकाना साहिब पर हमला करने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। प्राइम न्यूज 24 के लिए कविंद्र सिंह गजरौला की रिपोर्ट। के ननकाना साहिब में मुस्लिमों द्वारा वहाँ पत्थरबाजी की गई और वहाँ का जो नगर कीर्तन है उसको रोकने का प्रयास किया गया। एक हमारे सिख भाई की हत्या की गई, जिसको बजरंग दल बरसों से उठाता आ रहा है कि पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक हो और चाहे उसमें सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, सभी के धार्मिक अधिकारों का हनन हो रहा है और उनको धर्मांतरण कराया जा रहा है। जबरन हिंदू बहन बेटियों का जबरन उनको अपहरण किया जा रहा, उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं। इसी मांग को हम बरसों से उठा रहे थे। उसी मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने जो है नागरिकता संशोधन विधेयक सरकार लाई, लेकिन विपक्ष उस पर हायतोबा करने लगा। लेकिन आज विपक्ष के मुंह पर ये तमाचा लगा है, जिस प्रकार ननकाना साहिब में मुसलमानों ने खुलेआम गुलाम मुस्तफ़ा ननकाना साहिब को करने का उन्होंने प्रयास किया और वहाँ काफ़ी पत्थरबाजी की, जिससे वहाँ का जो अल्पसंख्यक है वो भयभीत है। तो मैं सभी देशवासियों से आग्रह करूँगा कि जो नागरिकता संशोधन विधेयक है उसका समर्थन करें। देश की सारी सरकारी संपत्ति है उसको आग न लगाएं। विपक्ष को भी भगवान सद्बुद्धि दे कि तो शीघ्र ही जो अपना नागरिकता संशोधन विधेयक है उसका समर्थन करके भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो भी धार्मिक आधार पर हिंदू प्रताड़ित किए जा रहे हैं।